हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को साष्टांग प्रणाम है, जिनकी कृपा से हमको सत्संग मिला। गुरु न मिलते कलयुग होता, गुरु मिले ऐसा समझें कि भगवान मिल गए। क्योंकि भगवान दिखते नहीं, कुछ बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं। गुरु हमें दिखते भी हैं, बोलते भी हैं, बताते भी हैं। हालांकि कल ही मैं दादाजी की वाणी में सुन रहा था कि जब हमारे बड़े दादाजी का शरीर शांत हुआ, लखनऊ में थे उस समय, तो हम ऐसी बात कर रहे थे कि गुरु जी का शरीर शांत हो गया तो वहीं पर एक सूफी कोई महात्मा बैठे हुए थे, आए हुए थे, तो कहते हैं कि गुरु को गाली देता है। हम एकदम चौंक गए। हमने कहा गाली दे, गाली तो हमने नहीं दिया, गाली हमने कहाँ दिया। तो बोले तुम कह रहा है गुरु का शरीर शांत हो गया, तुम गुरु को शरीर देखता है क्या। बोले वो दिन हमारे आँख खुल गई कि हम गुरु को शरीर करके देख रहे हैं। गुरु है वाणी, वाणी विच अमृत सारे। गुरु तो वाणी हैं, गुरु। देखिए इसमें सिखिज्म में गुरु को शरीर नहीं कहा है, गुरु है वाणी। मतलब वाणी कहने का उनका भाव है कि गुरु निराकार हैं और वो किसी मुख से बोलते हैं। तो वो जो वाणी हम सुनते हैं गुरु की, वो हमारा उद्धार करने वाली होती है, हमारा हित करने वाली होती है, हमें मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। तो मुक्ति कौन दे सकता है। एक दुकान पे घड़ी बिक रही है, क्या वो हीरा दे सकता है। सब्जी वाला हमको सोने की कोई चीज़ दे सकता है। तो जिसके पास जो है वही तो देगा। तो आप मुक्त मोहितारे आता है ना गुरुवाणी में। तो गुरु मुक्त हैं तभी तो हमको तार सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। जो मुक्त नहीं है वो हमको क्या मुक्त करेगा। बंधेला उनका गुरु बंधेला हो तो तुमको कैसे तार देगा, तुमको कैसे मुक्त कर देगा। गुरु के अंदर वासना है, आसक्ति है, वो तुमको कैसे मुक्त कर देगा। तो हमको गुरु ऐसे चाहिए जो आप मुक्त मोहितारे, खुद मुक्त हों तो हमको तारें, हमको तार दें। तो उन्होंने कहा गुरु को शरीर मत मानो, शरीर मत जानो। गुरु तुम्हारे शरीर है क्या, तुम कह रहे हो शरीर शांत हो गया। तो बड़े समझने की बात है। और हम गुरु को शरीर करके देखेंगे ना तो हम उनसे दुनिया भर की बकवास भी करेंगे, यहाँ बैठेंगे तो दुनिया की बात करेंगे। और अगर हम गुरु को निराकार जान रहे हैं तो निराकार से दुनिया की बात नहीं करेंगे, अपनी मुक्ति की बात करेंगे कि आप तो मुक्त बैठे, मेरे को भी तो बताओ मैं कैसे मुक्त हूँ। ये दुनिया के जंजाल से, ये 84 के चक्कर से आप छूटे बैठे हो, मेरे को भी तो छुड़ा दो। अम्मा जी ने मेरे को गुरु के पास जब भेजा तो इस सिखा के भेजा, गुरु जी से दुनिया की बात कभी नहीं करना। और मैंने अपने दुकान की, घर की, प्रॉब्लम्स की बात कभी नहीं करी। तो संसार के लिए हम गुरु से कभी बात ना करें। हमें ये है, हमें वो है, हमारे ये घर, हमारे कुछ नहीं, अपने उद्धार की बात करो। ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो। मुझे वैराग्य नहीं है, दुनिया से वैराग्य आवे। अम्मा जी के पास कोई आता था रोता हुआ परेशान, तो अम्मा जी कहते थे वैराग्य लो ना, तुम रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, तुम्हारे घर वाले ऐसा कर रहे हैं, वैराग्य लो ना उनसे। वैराग्य लो मतलब छोड़ के चले जाना नहीं होता है, वैराग्य का मतलब होता है अंदर से वैराग्य लो, अंदर से जानो कौन है इस दुनिया में, किसका मेन क्या है। आज आप लोग बचपन में सत्संग में आकर बैठे हो, आज से ही अगर आप सीख लो कि मेन क्या है, मेन क्या चीज़ है। देखो मैं आपको एक राज की बात बताऊं, सबको मालूम है पर मैं क्यों कह रहा हूं राज की, क्योंकि
अगर नहीं समझ में आती है तो आज समझ लो, भगवान इस दुनिया के मालिक हैं। पता है नहीं पता है बात को समझो, दुनिया के मालिक भगवान हैं। एक बीच में शेर दिख गया है, काश खुशियों की कहीं दुकान होती, काश खुशियों की कहीं दुकान होती और हमारी वहाँ पहचान होती। अब आप समझो ये बीच में क्यों बोला। इस दुनिया के मालिक भगवान हैं, ये दुनिया रूपी दुकान के मालिक भगवान हैं। दुकान में सब बिकता है ना, इस दुनिया में सब बिकता है, इस दुनिया में सब बिका हुआ है। तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? अम्मा जी कहते थे भगवान से भगवान को मांगो, दुनिया की चीज़ें मत मांगो। ठीक है, भगवान की दुनिया है, कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपको दुनिया चाहिए तो आप दुनिया मांगो, कोई बात नहीं। गुरु क्या कहते हैं, गुरु की बात है, हमारी क्या बात है वो चलो हम देखें। अभी हमको दुनिया चाहिए, अभी हमको ये चाहिए, अभी हमको राइज करना है, हमको बड़ा आदमी बनना है, हमको पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए। ठीक है, भगवान से मांगो, भगवान से मांगो, वो इस दुनिया के मालिक हैं, वो सब दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। आप कहोगे देते नहीं, देते नहीं कभी कभी। देखो माँ बाप भी तो नहीं देते कभी कभी, आप मांगते हो नहीं देते। ऐसी भगवान दुनिया के मालिक हैं, माँ बाप हैं हमारे, पर कभी कभी नहीं देते। हमारी आदत भी तो बिगड़ जाएगी, अगर वो सब चीज़ हमको देने लगे तो हमारी तो आदत बिगड़ जाएगी, और जिस दिन नहीं देंगे उस दिन हम पागल से हो जाएंगे। देखो नहीं रहे, देखो नहीं रहे, देखो नहीं रहे, पहले तो दे देते थे, तब तो दिया, तब तो दिया। तो भगवान आदत डालना चाहते हैं हमको कि कभी दूंगा कभी नहीं दूंगा। तो अब हमको पहचान किससे करनी है? काश खुशियों की कोई दुकान होती और हमारी वहाँ पहचान होती, भगवान से लिंक लगानी है, योग लगाना है, पहचान कर। पहचान देखो भगवान तो हैं, अभी हैं, यहीं पर, यहीं पर हैं, कहीं जाना नहीं है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कैलाश मानसरोवर, उनसे हम क्या मांगते हैं? ठीक है, दुनिया मांगते हो मांगते हो, ठीक है कोई बात नहीं। पर आगे चलकर जब बहुत दुनिया देख लोगे तो एक मन बना के रखो अपना कि जब मैं इतनी दुनिया देख लूँगा उसके बाद मैं भगवान में लग जाऊँगा। दुनिया के बारे में एक शेर है, सुना है मतलब बहुत वजनदार होता है, सुना है मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? मतलब जो है ना, जब मतलब निकल जाता है किसी से तो आदमी बेपरवाह होके अलग निकल जाता है। अपना मतलब निकाला, अपना मतलब सॉल्व किया और बस, अब तुम कौन हम कौन। तो रिश्तों को हल्का कर देना क्या है, अब कोई रिश्ता खास नहीं रहा, मिल गए तो ठीक है, हेलो आए हो गई, नहीं तो कौन किसको जानता है। मतलब निकल गया है तो यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में, हर एक की पढ़ाई में फ़र्क होता है, अलग अलग होती हैं सबकी पढ़ाइयाँ। कोई उस्तादों से सीखता है, कोई हालातों से। मतलब उस्ताद मतलब टीचर को कहते हैं, कोई टीचर से पढ़ता है ना, टीचरों से पढ़ते हैं ना, स्कूल में हम लोग टीचरों से पढ़े हैं। और कोई होते हैं जो ज़िंदगी की, जीवन की हालात, जीवन की प्रॉब्लम्स से सीखता है। मंजिल पर पहुँच कर लिखूँगा, मंजिल पर पहुँच कर लिखूँगा मैं इन रास्तों की मुश्किलों के बारे में, मंजिल पर पहुँच कर लिखूँगा मैं इन रास्तों की मुश्किलों के बारे में, अभी तो बस आगे बढ़ते जाना है। एक कल एक
फोटो का थोड़ा, तो एक आदमी सामने लक्ष्य को देख रहा है और उसको वहाँ पहुँचना है, आधी फ़ोटो ये है। नीचे की आधी फ़ोटो में दिखाया है कि वो जो पहुँचने के बारे में सोच रहा था, ऊपर सामने लक्ष्य दिख रहा था, उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, कहीं झाड़ियाँ, कहीं आग, कहीं पानी, पानी में मगरमच्छ, कहीं कुछ समस्याओं से होकर के बाद में वो लक्ष्य दिख रहा था। तो बातें करना और बात है, सोचना और बात है, सपने देखना और बात है, पर प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बढ़ते जाना है। इसी पर याद आया कि अभी नहीं, मंजिल पर पहुँच जाऊँ तब लिखूँगा उन मुश्किलों के बारे में जो बीच में आई। कोई रास्ता आसान नहीं होता, एक रात में कोई अमीर नहीं बन जाता। एक आदमी कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीता था एक बार, उसका घर अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा नहीं हुआ, आज उसको 4-5 साल हो चुके जीते हुए, अभी भी अधूरा घर पड़ा हुआ है। क्या हो गया क्या नहीं हो गया वो किसी को बताता नहीं है, रुपया कहाँ गया, आधा घर बना आधा रह गया, रुपया कहाँ चला गया, क्या हुआ, वो चुप है, वो बताता नहीं है किसी को, कोई बात हो गई घटना उसके साथ। तो ये ज़िंदगी आसान नहीं होती। रातों रात सोचता है आदमी, मैं भी इसी तरह लॉटरी जीत जाऊं, कौन भरेगा करोड़पति में जीत जाऊं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सत्य घटना जो उस आदमी के साथ बीती, कि आज वो किसी डर में जी रहा है। क्या हुआ उसके साथ नहीं मालूम। तो कभी मत सोचो रातों रात पैसे वाला हो जाने की, मेहनत करो आगे बढ़ो, क्योंकि मेहनत करके जो बढ़ते हैं वो जीवन में बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत मुश्किलों के बारे में सीख जाते हैं कि इन मुश्किलों को कैसे ओवरकम किया जाता है। ये परेशानी आई तो हमने क्या किया, सबसे यूं मिलना जैसे आपको कोई दुखी नहीं है जीवन में, सबसे यूं मिलना जैसे दिल में कोई दुख ना हो, मुझ में एक खूबी है सब खामियों के बावजूद, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें कम हैं मेरे पास, मगर मैं लोगों से ऐसे मिलता हूं कि जैसे मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। ये मतलब एक शिक्षा है सभी के लिए कि जीवन में तो दुख सभी के होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं सभी के होते हैं, पर हमें सबसे ऐसे ही मिलना चाहिए कि नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है। कमियां तो सबके जीवन में होती हैं, दुख सबके जीवन में होते हैं, परेशानियां सबके जीवन में होती, पर रो गाओ तो अच्छा नहीं लगता ना। कोई हमारे दुख में दुखी नहीं होना चाहता, हमारे दुख को कोई नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सिर्फ ठेला दिखता है सड़क पर साहब, ये हमारी वो बात है जो चला करती अक्सर ही आजकल। तुम्हें सिर्फ ठेला दिखता है सड़क पर साहब, वास्तव में तो वो अपना पूरा घर खींच रहा होता है। नहीं, अब इसमें एक बात सीखने की है, बार्गेनिंग मत करना, किसी ठेले वाले से बार्गेनिंग मत करना। आपको लगे कि महंगा दे रहा है तो पूछ लेना कि भाई वो तो 50 रुपये किलो दे रहा है, तुम 60 क्यों दे रहे हो, पूछ लेना, पर बार्गेनिंग मत करना कि तुम भी 50 लगाओ। हो सकता है उसकी चीज़ बढ़िया हो, महंगी आई हो। यहाँ पे कोई दुकानदार बैठे होंगे जिनके यहाँ कपड़े का काम होता होगा, सब कपड़ा एक ही रेट होता है आपकी दुकान पर, हैं? क्यों, कोई घटिया होता है कोई बढ़िया होता है? अब ठेले तो बहुत खड़े, कोई आवाज़ लगा रहा है 20 रुपये किलो 20 रुपये किलो, दूसरा दे रहा है 30 रुपये किलो,
आप देखो क्वालिटी पहले, वो 20 रुपये किलो वाले का तो पूरा ठेला भरा हुआ है, टमाटर ही टमाटर लगे हुए हैं उस पर, और एक दुकान वाला 30 रुपये किलो दे रहा है क्योंकि उसके छटे हुए हैं, उसके बढ़िया वाले हैं, और ये सुना सब भल्लिया ढेरी, उसमें सड़े भी हैं बीच में। खैर बात दूसरी थी, तुम्हें सिर्फ ठेला दिखता है सड़क पर साहब, हकीकत में तो वो अपना पूरा घर खींच रहा होता है, वास्तव में तो वो अपना पूरा घर खींच रहा होता है, उस ठेले से ही उसकी दुनिया चलती है। आप ज़्यादा मत दो भले, आपका दिल नहीं करता हम क्यों ज़्यादा दें, ज़्यादा मत दो भले, पर बार्गेनिंग करके उसको मजबूर मत करो। दिखाया था ना एक बार वीडियो कि एक नारियल वाला नारियल बेच रहा है तो कहता है 20 रुपये का, तो 20 रुपये का लूट रहा है, और जगह तो 15 रुपये का मिलता है, उदाहरण है तब का पुराना, अब तो खैर 40-50 का हो गया जो भी। तो खैर वो लौट के आ रहा है कोका कोला पीता हुआ, बोला साहब ये कितने की लाए, बोले 35 रुपये की, कितने कम कराए, कम कराए दे दे। तो बोला मेरे को तो आप 20 का 15 बोल रहे थे, इसमें 35 के 30 नहीं कराए आपने। ऐसी है दुनिया। आज ही बात चल रही थी सुबह एक मथुरा के पास एक स्कूल है, तो वहाँ आपकी तरफ से कभी कभी बच्चों को शर्ट और पैंट, स्कूल की ड्रेस, कभी कभी नहीं हर साल ही लगभग ऐसा हो जाता है, आपकी तरफ से दिलवाई जाती है। एक शर्ट हमको उन बच्चों की स्कूल ड्रेस की कितने की पड़ती होगी, एक मॉल में ख़रीदने जाएं आप, एक शोरूम पे जाएं और ब्रांडेड है एरो कंपनी की है, 2,000, 2,500, 3,000 की शर्ट पड़ती है, वो बच्चों की, उन बच्चों की शर्ट हमको 60 रुपये की पड़ती है, क्या उसमें भी हमको मोल भाव करना चाहिए 55 की लगा दो, और वहाँ हम 3,000 रुपये दे आते हैं एक शर्ट के। हमारी अकल देखो कैसी मारी गई है, हम लोग कितने पागल हैं, सोचते नहीं हैं, धर रहे पर दुनिया, हम सुन रहे हैं ठेले वाले पर लोग कर रहे हैं, हे 50 का लगा, 60 का कैसे लगा रहा है, 50 का लगा, हमने सुन लिया और हमारे दिमाग में घुस गया, अब हम भी दूसरे ठेले पर पहुँचे, 40 का 30 का लगा, ये हमने सुन लिया कहीं और अंदर में हमारे फीडिंग हो गई। और जब हम बोल रहे होते हैं तो हम सोच भी नहीं पा रहे होते हैं कि हम सत्संगी हैं, और हमने 20 बार ये बात सत्संग में सुनी है और फिर भी नहीं हम सोच पा रहे होते हैं, और हमारी भाषा वही निकलती है, 40 का क्यों लगा रहा है, 30 का लगा। पर कितना गंदा हिसाब हो गया है दुनिया में, इन्हीं बातों में लगा पड़ा है आदमी, पैसा 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 पैसा,